नंदराम जरा फोन उठाना। अब आप ही उठाइए। उठाइए उठाइए, हम जरा हिसाब कर रहे हैं। अरे हिसाब बाद को कर लीजिएगा, कानू जल्दी है, अभी फोन सुन लीजिए। आप तो वहां बैठकर मक्खी मार रहे हैं, फिर आप ही क्यों नहीं उठा लेते? भाई आप जहाँ बैठे हैं उसके बगल में ही रखा है, हाथ बढ़ाएंगे और सुन लेंगे, हमें वहां तक जरा चल कर आना पड़ेगा। हाँ देखो भैया, सवाल दूर या पास का नहीं ना, हम यहाँ हिसाब कर रहे हैं, यहाँ से ध्यान नहीं तोड़ सकते। आप वहां कुछ नहीं कर रहे हैं तो फोन आप ही को सुनना चाहिए। प्रश्न ये नहीं है, हम वहां आए तो फोन सुन सकते हैं, उठा सकते हैं, जवाब भी दे सकते हैं, लेकिन सोचते हैं कि अगर आप उत्तर देंगे तो उचित रहेगा। ओहो आप बस भी कीजिए, उठिए उठिए, जवाब दीजिए, घंटी बजे जा रही है, है? अच्छा ठीक है, क्या कहना है? अरे आप फोन सुनिएगा तभी ना कहिएगा कि क्या बोलना है, अब भाई से कैसे बता दे? हमें लगा शायद आप जानते हो। हेलो, हाँ नंदराम फ्रॉम खादी भंडार स्पीकिंग। हाँ हाँ कपड़ा ही कपड़ा है, जितना चाहिए उतना कपड़ा ले लो। किस चीज के लिए कपड़ा चाहिए? ओह थिएटर का कपड़ा चाहिए। हाँ हाँ मिलेगा मिलेगा, वो क्या कहते हैं प्रिंटेड प्रिंटेड मिलेगा। है कौन से थिएटर से बोल रहे हैं? ऑपरेशन थिएटर से बोल रहे हैं। किधर पड़ता है ऑपरेशन थिएटर? अस्पताल में, अस्पताल में सेट लगा दिया क्या? बड़ी ही बड़ी एक्सपेरिमेंटल ड्रामा कंपनी है आपकी, और वो क्या कहते हैं एकदम रियलिस्टिक रियलिस्टिक ड्रामा कंपनी है। कौन से रंग का चाहिए? सफेद। डॉक्टर वॉक्टर का ड्रामा है। नर्स वर्स का कोई आइटम नंबर रखे है या नहीं? क्या कहा, हम गलत समझ रहे हैं? ठीक है आप एक काम कीजिए, यहाँ आ जाइए और जैसा कपड़ा चाहिए देख जाइए। नमस्कार। क्या पूछ रहे थे? आप अपना काम कीजिए, हमें जो उचित लगा वो उत्तर हमने दिया, लेकिन अब अगर फोन आया तो आप ही उठाएंगे। हाँ अरे क्या बात हो गई भाई। अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, नंदराम जी ने अभी फोन सुना, हम पूछ रहे थे कि काहे बात का फोन था, तो कह रहे हैं कि आप हिसाब कीजिए, आपको मतलब? अरे भाई प्राइवेट फोन होगा उनका। अरे नहीं जी, दुकान का था। नंदराम जी ये तो गलत बात है, मैनेजर साहब ना हो तो सदाशिव जी ही मैनेजर है, आपको बताना चाहिए, वही प्रधान है। तो प्रधान है तो खुद फोन उठाए ना, हमको क्यों कहते हैं फोन पर जवाब देने को? अरे हम हिसाब कर रहे थे भाई। तो आप अपना हिसाब ही कीजिए भाई। अरे प्रश्न सिद्धांत का है भाई। हाँ सिद्धांत का ही है, तो जो टेलीफोन उठाएगा वो अपनी बात अपने पास रखेगा, आप हिसाब कीजिए। चलिए कोई गुप्त बात है का? अब चाहे गुप्त हो चाहे ना हो। हाँ अरे क्या आपके यहाँ रेडीमेड कपड़े हैं? रेडीमेड? तमाम रेडीमेड ही रेडीमेड है, आपको दिखाई नहीं देता। मुझे क्या पता, भगवान ने आपको आंखें दी हैं, चारों ओर नजर घुमाइए, सिर्फ रेडीमेड ही रेडीमेड है, आपको क्या चाहिए सो बताइए। कुर्ता पजामा? हाँ तो यूं कहिए ना, आप तो कह रहे हैं रेडीमेड है क्या भाई, रेडीमेड तो बहुत कुछ होता है। मुझे कुर्ता पजामा चाहिए। हाँ हाँ चिल्ला क्यों रहे हो, किसके नाप का, अपने लिए ही चाहिए? हाँ सदाशिव जी इनके नाप का जरा कुर्ता पजामा तो निकाल दीजिए। आप ही निकाल दीजिए, हम जरा हिसाब कर रहे हैं। अरे आप हर समय हिसाब करते रहते हैं, जब फोन आए तब भी हम हिसाब कर रहे हैं, जब ग्राहक आए तब भी हम हिसाब कर रहे हैं। हाँ भाई जरा बड़ा है हिसाब। सो तो हम नहीं जानते, लेकिन हम ये जरूर देख रहे हैं कि पिछले चार दिन से आपका हिसाब चालू है। ओहो अब चुप भी कीजिए, जाकर कपड़े निकाल दीजिए ग्राहक के लिए। है? वो तो हम निकाल ही रहे हैं, उसमें क्या है? ये लीजिए जनाब, ये थोड़ा बड़ा पड़ जाएगा। अरे मुबारक हो भाई, मुबारक हो, ये तो अच्छी बात है ना। अच्छी बात है भाई साहब, बड़ा है ये, ढीला होगा, अजीब आदमी हो यार। अरे मतलब शुरू में होगा, एक बार धुलाई होगी तो एकदम फिट हो जाएगा। मुझे अभी इंटरव्यू के लिए जाना है, एकदम फिट चाहिए, जरा छोटा नंबर निकाल दीजिए। कहाँ जाना है, किसके लिए? इंटरव्यू। अरे नौकरी के लिए होता है यार, मुझे एकदम फिट चाहिए, जरा छोटा नंबर निकालिए। अरे पहन लो यार, बाद में ठीक हो जाएगा। अरे आप प्लीज एक नंबर छोटा निकालेंगे? देख लीजिए हम तो आपके भले के लिए कह रहे थे। थैंक यू, अब आप प्लीज एक नंबर छोटा निकाल दीजिए। अजीब आदमी हो यार,
थैंक यू भी करते और अपने भले की बात भी नहीं सुनते हैं? ये लो। ओहो नंदराम, जो ग्राहक मांगेगा वही ना दोगे या कुछ और निकाल के थमा दोगे हाथ में? आप अपना हिसाब कीजिए। मुझे लग रहा है ये ठीक होगा। ये क्या मैं पहन के देख सकता हूँ ये? अरे अरे बिल्कुल पहन के देख सकते हैं भाई, आप कोई महिला थोड़ी, अंदर लंगोट बंगोट पहने है ना, पहन के देखिए देखिए। अरे हम नहीं देख रहे, जाइए। अरे ये जरा कपड़े बदल रहे हैं। अरे तो ठीक है आ जाए ना ससुर, हम कौन उनको नंग पंग देखने में उत्तेजित हैं। आप फोन सुनिएगा इस बार सदाशिव जी, हमने का फोन सुनिए, हम जरा ग्राहक में लगे हैं। ग्राहक तो अंदर कपड़े बदल रहा है, फिर आप किस में लगे हुए हैं? अरे मेरा मतलब है, मतलब हमने कपड़े लाकर दिए हैं तभी ना बदल रहे हैं, अब वो दोबारा आ सकते हैं, हमसे कुछ और मांग सकते हैं, आप देख रहे हैं हम बिजी है। चलिए टेलीफोन इस बार आप सुनिए। हमें तो कुछ करते दिखाई नहीं दे रहे। यूं तो आप भी हमें कोई काम करते नजर नहीं आ रहे। आप फोन सुनिए, नमस्कार हम कर लेंगे। नमस्ते नेताजी। हेलो खादी भंडार, रॉन्ग नंबर था जी। होगा, जब भी फोन आप उठाते हैं ससुरा रॉन्ग नंबर ही होता है। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक तो है, लेकिन ढीला लेते तो सही रहता, बाद में फिट हो जाता। इंटरव्यू में जाना है इसीलिए खादी पहननी पड़ रही है, नेताजी बोर्ड मेंबर जो हैं, साला ड्रामा करना पड़ेगा। कौन से विभाग में है? हरिजन कल्याण में है। अच्छा। भैया बिल कितना हुआ? आप बिल तो सदाशिव जी आप ही बनाइए, हिसाब किताब में तो यही माहिर हैं। तारीख? अरे कुछ भी लिख दो यार, क्या फर्क पड़ता है। अरे कुछ भी कैसा लिखते हैं भाई, सरकारी रजिस्टर है। 30। आज तो 29 है। अरे ये क्या किया भैया? 29 है आज। नाम? करण। करण राठौड़। करण राठौड़ राजपूत हो। अरे हो गया तो बिल बना दो यार भैया। नहीं राजपूत हो के हरिजन सेवा। गुड। 100 रुपए हो गए। बड़ी ही अजीब बात है, अभी एक सज्जन फोन पर थिएटर के लिए कपड़ा मांग रहे थे और अब ये कहते हैं कि ड्रामे के लिए खादी चाहिए, कमाल है। अरे हम सब जानते हैं, हमारे ही विभाग में तो वो नौकरी के लिए आने वाला है और जो नेता इंटरव्यू लेने वाले वो भी हम ही है। ओहो गए बेचारी की नौकरी, फिर तो अब तो आप उसे लेने से रहे। नहीं नहीं नौकरी क्यों नहीं देंगे, सामने ही खादी पहन के गया है तो क्या हुआ। जो व्यक्ति सिचुएशन के साथ बदलना जानता है ना वही सफल होता है, और आदमी को वही करना चाहिए जैसे समय की मांग हो, फिर चाहे मन मार के ही क्यों ना करना पड़े। आहा, क्या बढ़िया बात कही है नेताजी आपने। सुना सदाशिव जी, आदमी को टाइम के साथ बदलना चाहिए भले ही मन मार के, यानी कि अगली बार जब भी फोन बजेगा तो भले ही आप हिसाब कर रहे हो, फोन का उत्तर आप ही देंगे। हाँ अरे खैर छोड़ो, आप इसका बिल बना दीजिएगा, खादी तो हमें भी नाटक करने के लिए पहननी पड़ती है।